வருதே பேபி ஆதிக்கு நீ இன்னைக்கு இல்லை ஒலி பாப்ல आज किसका बर्थडे है? आदू का बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे मेरा जान। हल्क ले याद आ गया। हल्क क्या हुआ बेटा? हल्क बेडरूम। हल्क बेडरूम। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे एंड मैं भी अच्छी हूँ। एंड आज ब्लॉग बहुत लेट से स्टार्ट कर रही हूँ। 9 बजे के है रात को और इतना लेट में कभी स्टार्ट नहीं करती हूँ ब्लॉग, बट आज थोड़ी सी बिजी रह गई दिन में। मतलब नॉर्मल ही डे था, बट आज स्पेशल डे भी है क्योंकि आज आदू 2.5 साल का हो गया। उसका मंथली ईयरली तो नहीं बट मंथली बर्थडे आप बोल सकते हो। तो जब आदू ना छोटा था, एक साल का नहीं हुआ था, तो हम लोग हर महीने उसका बर्थडे मनाते थे। और मतलब 5th मंथ से स्टार्ट किए थे। 5th मंथ तक तो मैंने नहीं मनाया था उसका बर्थडे क्योंकि पता था कि वो छोटा है तो अभी केक वगैरह में उसको कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा। और हम लोगों ने मुजुट्टी, हमारे में आम मुजुट्टी होती है 6 महीने पे 5 महीने के बाद, तो वो नहीं हुआ था उसका। तो दैट्स वाई। बट हम लोगों ने मतलब मुझे याद है कि 5th मंथ का था आदू, तो हम लोग गए थे रांची मम्मी के पास। तो वहाँ पे भाई ने बोला कि नहीं, इसका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे हम लोग, केक कट करेंगे। तो उस दिन से जो स्टार्ट हुआ 5th मंथ से 12th मंथ तक हुआ। उसके बाद 1.5 साल का भी था तो भी मैंने सेलिब्रेट किया था। फिर अभी 2 साल का तो आप लोगों ने ब्लॉग देखा ही है और अभी वो आज 2.5 साल का हो गया। तो बच्चे कितनी जल्दी बड़े हो जाते हैं। और मेरे साथ क्या है कि मुझे तो ऐसा लगता है ना कि मैं उसका सारे मूवमेंट्स कैमरे में कैप्चर करके रखूं। और अभी इतना क्यूट मूवमेंट्स उसके होते हैं, टच वुड यार। मतलब कभी भी कुछ भी बोलता है, वो नया नया चीज़ सीख रहा है बोलना। और उसकी एक्टिविटीज देख के मतलब बहुत अच्छा लगता है। गाने सुनना, गाने गाता है वो, उसके बाद डांस करना और बहुत सारी चीज़ें जो भी सिखाओ सीखने की कोशिश कर रहा है वो, तो वही है। एंड ये पीछे बर्तन रखा हुआ है तो आप लोग माइंड मत कीजिएगा, जस्ट आदू बैलून से खेल रहा था। अभी जस्ट मैं बर्तन धोकर और जस्ट अभी फ्रेश होकर ही आई हूँ। डिनर मैंने बना लिया है एंड आज मैंने बनाया है आदू के लिए बर्थडे केक। सो ये फर्स्ट टाइम है जो मैं आदू के लिए बर्थडे केक बना रही हूँ। अभी तक मैंने उसके लिए बर्थडे केक नहीं बनाया था, हमेशा बाहर से ही ऑर्डर किया था। तो ये देखिए, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। तो ये है सिंपल सा केक है ये मेरा, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस ऐसे ही सिंपल सा केक मैंने बनाया है। क्योंकि ये वाला केक आटे का केक है ये, और ये केक आदू को बहुत ज़्यादा पसंद है, दैट्स वाई ऐसा मैंने बनाया है। और डिनर में आदू को तो हमने डिनर करा दिया है, उसने रोटी खा ली थी क्योंकि रात को वो रोटी ही लेता है, फ्रिज बंद करना ही भूल गई मैं, तो रात को वो रोटी लेता है और उसको खिला दिया हमने। डिनर नहीं किया, अभी पहले केक कट करेंगे। अभी जस्ट केक थोड़ी देर पहले ही बेक किया था तो फ्रिज में रख दिया था कि थोड़ा ठंडा हो जाए। और अभी मैं क्या करूँगी कि हम लोग चलिए सेलिब्रेशन पहले कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग डिनर करेंगे। और डिनर में आज पनीर चिली और ये बनाया, नूडल्स बनाया, क्योंकि ज़्यादा कुछ नहीं बनाया क्योंकि ऐसे भी आदू ये सब नहीं खाता है। वो बहुत ही नॉर्मल खाना खाता है घर का, जो दाल चावल या रोटी सब्जी ये सब चीज़ खाता है, वो देसी बिल्कुल खाना खाता है। तो इसीलिए उसको खिला दिया। तो चलिए फिर देखते हैं ये लोग क्या कर रहे हैं। डी 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 इट्स लाइक सास भी कभी बहू थी। ऐसे होता ना टन टन। आदू आज किसका बर्थडे है? आदू का बर्थडे है। क्या बेटा क्या बोल रहे हैं? अच्छा आदू अभी क्या करेंगे हम लोग? क्या करेंगे आदू हम लोग अभी? केक काटो। कौन काटेगा केक? कौन काटेगा केक? ओले पॉपली। और आदू हल्क दिखा दो थोड़ा सा मम्मा को। हल्क दिखा दो मम्मा को। हल्क दिखा दो बेटा। हाय गाइस को दिखाएगा। आओ गुच्छा। हल्क गुच्छा कैसे गुच्छा करता है? हल्क गुच्छा। ओले पॉपली हाय तो कर दो सबको, हेलो कर दो। तो हाय कर दो सबको। हाय हाय गाइस करो आदू सबको। किसका बर्थडे है आज? हाय गाइस बाय। मामा केक कट। मामा केक कट। मामा केक।
बस चुका है दोपहर का। कल कुछ ऐसा हो गया कि मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई ब्लॉग, तो मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी कि कल क्या हुआ था एग्जैक्टली। एंड अभी जस्ट हम लोग नहा कर निकले हैं, एंड थोड़ा ग्रहण होने के बाद क्या होता है ना कि हम लोग थोड़ा सा पूजा करते हैं, नहाते हैं, चावल छूते हैं, तो ये सारी चीज़ें होती हैं, तो वो सब चीज़ कर रहे थे। पूजा तो खैर शाम को करेंगे क्योंकि अभी दोपहर को ग्रहण खत्म हुआ है, तो दोपहर को तो वैसे भी पूजा नहीं होता है। तो भगवान जी के जो कपड़े वगैरह होते हैं वो सारे अभी क्लीन करके, एंड जस्ट राधु को देखिए पीछे में अपने काम में लगे हुए हैं वो। तो इतनी भूख लगी है, अभी मैं जा रही हूँ मैगी बनाऊंगी फटाफट से, और कुछ अभी सूझ ही नहीं रहा कि क्या बनाऊँ, तो अभी जल्दी से मैगी बनाऊंगी और उसके बाद चाय पियेंगे और उसके बाद देखा जाएगा कि क्या करते हैं। फिर मैं जल्दी से बना लेती हूँ, उसके बाद मिलूंगी आप लोगों से। जैसे ही खत्म हुआ है ग्रहण, वैसे ही केक पे टूट पड़े हैं। अरे बाप रे, इतना भूख लगा था आशु को। सो गाइस, ये केक कल का ही है, बट मैं अभी कट कर रही हूँ क्योंकि मुझे भी मन कर गया खाने का, और आज सुबह सुबह ग्रहण था तो हम लोग कंज्यूम नहीं करते हैं बनी बनाई चीज, तो इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा व्हाइट तिल ऐड किया है, तो तुलसी पत्ता ऐड करते हैं। और जल्द ही मैं इस केक का रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी क्योंकि ये बहुत अच्छा बना था, बहुत ही स्पॉन्जी बना था, होल व्हीट केक है तो हेल्दी भी है। Thank you.
हो गया है, अब बनाने की बारी है डिनर। तो डिनर में आज मैं बना रही हूँ आलू गोभी, मटर की सब्जी और रोटी। जनरली हम लोग रात को रोटी ही खाते हैं कोई भी सब्जी के साथ। तो इस सब्जी को बनाने के लिए मैंने थोड़ा सा तेल लिया था और उसमें आलू और गोभी को मैंने फ्राई कर लिया है, और फ्राई करने के बाद थोड़ा सा हल्दी और नमक ऐड कर दिया था। तो मतलब बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, 100% लाइक 60% के करीब मैंने फ्राई कर लिया था, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। और उसके बाद सेम कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा सरसों तेल और जीरा डाल दिया था, एंड साथ ही साथ थोड़ा सा मैंने बड़ी इलायची, छोटी इलायची, उससे फ्लेवर काफ़ी अच्छा आता है, और मिर्च। ये डालने के बाद मैंने प्याज को फ्राई कर लिया, एंड यहाँ पर जब तक जब फ्राई हो रहा है प्याज थोड़ा सा मतलब कलर अच्छा आ जाए तब तक मैं थोड़ा सा काम कर लेती हूँ। इसी ऐसे ही मैं मेरा काम सब कंप्लीट हो जाता है, अदरवाइज फिर काम टाइम नहीं मिलता और काम सब रह जाता है। तो यहाँ पर मैं मेरा तेल का डब्बा खाली हो गया था तो वही मैं फील कर रही हूँ, और साथ ही साथ जो छोटे मोटे बर्तन होते हैं वो भी मैं कर लेती हूँ, किचन क्लीन भी कर लेती हूँ, या फिर और कुछ काम रहता है तो सब्जी बनाते बनाते हो जाता है, क्योंकि सब्जी बनाने में थोड़ा सा टाइम लग ही जाता है, क्योंकि अगर आपको अच्छे से फ्राई नहीं करते हैं सब्जी या मसाले तो फिर सब्जियाँ अच्छी नहीं बनती हैं। तो बस वही है, और तेल डालने के बाद मैं यहाँ पे फिर से आ गई हूँ। थोड़ा सा मैं अपना जो काउंटर टॉप है किचन का वो क्लीन कर रही हूँ। खाना बनाते वक्त आप कितना भी कुछ भी कर लो, गंदा तो होना ही है किचन, तो आप बार बार अगर क्लीन करते हो तो उतना बर्डन नहीं रहता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि साथ ही साथ कर लूँ, डेली का नहीं रहता है, कभी कभी मैं छोड़ भी देती हूँ, बाद में भी कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मेरा प्याज जो है वो फ्राई हो चुका है, और उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा अदरक और लहसुन का पेस्ट डालकर और थोड़ा सा इसको फ्राई कर लूँगी, ब्राउनिश थोड़ा सा कर लूँगी, क्योंकि प्याज अगर आलू गोभी की सब्जी में थोड़ा प्याज फ्राई हो जाता है ना तो बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद आती है मसाले डालने की बारी। तो मसाले में मैं डालती हूँ हल्दी, थोड़ा सा नमक, जीरा पाउडर, गोलकी पाउडर डालती हूँ जिसको कि आप काली मिर्च बोलते हैं, थोड़ा सा किचन किंग डाल देती हूँ, थोड़ा सा जीरा, धनिया, गोलकी मेरा फिक्स रहता है सब्जी में, एंड थोड़ा सा किचन किंग, थोड़ा सा सब्जी मसाला, लाल मिर्च का पाउडर मैंने डाला था। तो बस इतनी मसाले मैंने ऐड किए थे, और उसके बाद मसाले भुन जाने के बाद मैंने टमाटर ऐड कर दिया था। बस फिर ढक ढक कर इसको पका लेना है, तो इससे टमाटर भी अच्छे से पक जाते हैं, मसाले भी अच्छे से पक जाते हैं, और नमक मैंने सॉरी यहाँ पर अभी डाला है, पहले भी आप डाल सकते हैं मसाले में, उससे कोई दिक्कत नहीं होती है। और ये देखिए कितना अच्छा कलर भी आ गया है मसालों का। तो बेसिकली आप कोई भी सब्जी में सिर्फ थोड़ा सा धनिया, जीरा, गोलकी और हल्दी नमक डाल दीजिए, और थोड़ा सा आप डाल दीजिए अदरक लहसुन का पेस्ट, तो भी सब्जी बहुत अच्छी बन जाती है, और टमाटर तो मस्ट होता ही है। यहाँ पर जब सारे मसाले और ये हमारा जो प्याज वगैरह सब भुन गया था, तो मैंने आलू गोभी जो हमने पहले से फ्राई करके रखे थे वो ऐड कर दिए इसमें, और फिर इसको भी हम लोग ढक कर पका लेंगे ताकि अच्छे से मसाले जो है आलू गोभी में मिक्स हो जाए। तो यहाँ पर बस मैं ढककर इसको पका ले रही हूँ, और थोड़ी देर के बाद देखिए तेल छोड़ चुका है, दैट मीन्स कि हमारी जो सब्जी है और मसाले हैं वो अच्छे तरीके से भुन चुके हैं, प्रिपेयर हो गए हैं। अब आपको इसमें अपने अकॉर्डिंग आपको मतलब ग्रेवी की कंसिस्टेंसी रखनी है। मैंने इस तरीके से आप देखिए एक कटोरी के करीब डाला था, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ग्रेवी नहीं चाहिए थी, थोड़ी लटपट सी सब्जी अच्छी लगती है रोटी के साथ। और यहाँ पे लास्ट में मैंने डाला है मटर, क्योंकि ये फ्रोजन मटर है तो ऑलरेडी बॉइल्ड होता है, तो इसलिए अगर आप पहले डाल देते हैं मटर तो फिर वो ना एकदम ये हो जाता है, क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा सा ज्यादा गल जाता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैंने गरम मसाला भी ऐड कर दिया है, और थोड़ी देर के लिए मैं ढककर रख दूंगी इसको, ताकि अच्छे से जो हमारा मसाला है वो एब्जॉर्ब हो जाए, ग्रेवी हमारी बन जाए, लटपट सी सब्जी। तो ये भी लास्ट में करना जरूरी होता है, और अपना अपना सबका स्टाइल होता है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मेरा ही स्टाइल सबसे सही है सब्जी बनाने का, क्योंकि मैं भी बहुत उतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट नॉर्मली जैसे मैं खाना बनाती हूँ तो आप लोगों से शेयर करती हूँ, आप लोगों को पसंद आता है तो थैंक्स फॉर दैट। तो एक ही सब्जी को जैसे आलू गोभी मटर की ही सब्जी है, तो ये जैसे सब लोग अलग अलग तरीके से बनाते हैं, तो मेरा कुछ तरीका ऐसे है, मैं ऐसे भी बना देती हूँ, बिना फ्राई के भी बनाती हूँ। तो आज मैंने सोचा कि रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, क्योंकि बहुत लोग मुझसे बोलते हैं कि आप डेली में भी जो सब्जी बनाती हो वो आप शेयर क्या करो, अच्छा लगता है। तो यहाँ पर जैसे ढककर मैंने रख दिया, थोड़ी देर तक वो पक रहा है ग्रेवी हमारा, तब तक मैं बाकी के जो बर्तन है वो सब धो ले रही हूँ साथ ही साथ, और ज्यादा बर्तन नहीं थे तो बहुत ही जल्दी हो गया था ये काम। और बर्तन धोने के बाद हैंड वॉश करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, अदरवाइज मतलब पता नहीं, मुझे तो आदत हो गई है, तो हैंड वॉश मैं किचन में ही रख लेती हूँ। और यहाँ पर देखिए हमारी जो सब्जी है, ग्रेवी वगैरह सब कुछ पककर रेडी हो चुकी है, तो कितनी यमी लग रही है। तो बस अब हम लोग रोटी बनाएंगे और जल्दी जल्दी काम खत्म करके, और फिर मैं एडिटिंग करने बैठूंगी।
पर सब्जी बन गई थी तो मैं उसको खाली कर ले रही हूँ दूसरे बर्तन में, ताकि मैं अच्छे से वॉश कर लूँ कढ़ाई को, सुबह भी काम आ जाता है। और थोड़ा सा किचन भी क्लीन रहता है अगर आप रात को ये सब बर्तन वगैरह करके सो। और यहाँ पर राधु सॉरी आशु चाय बना रहे हैं, क्योंकि हमने आज शाम को चाय नहीं पी थी, तो सोचा कि चलो चाय पी लेते हैं फिर खाना खाएंगे, क्योंकि अभी आदू खाएगा तो उसके लिए मैं सबसे पहले रोटी बनाऊंगी और उसके बाद फिर हम लोग चाय वगैरह पीकर देन आफ्टर हम लोग डिनर करेंगे। तो पहले हम लोग आदू को ही खिला देते हैं, उसके बाद हम लोग खाते हैं। तो बस ऐसे ही मिलजुल कर काम चल रहा है हम लोगों का। और आगे का ब्लॉग मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई थी, बस यहीं तक हो गया था। तो आप लोगों को बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, प्लीज टू सब्सक्राइब माई चैनल। लव यू ऑल, टेक केयर। सो गाइस, आधे का खाना रेडी हो गया है, रोटी सब्जी एंड थोड़ा सा वो जैम खाता है, और ये मैं पूरे फोकस पे नहीं आ रही हूँ, दैट्स व्हाई। सो अभी मैं उसको खाना खिला देती हूँ और उसके बाद फिर आप लोगों को समझती हूँ, उसको बहुत तेज भूख भी लगी होगी अभी। एंड हस्बैंड जी यहाँ पे चाय बना रहे हैं, चलो आप। वे आर यू, आपके द्वारा लगा लो लगा लो, मोबाइल कवर्स पोस्टर्स इत्यादि द्वारा प्राप्त धन इधर देखो, पापा को देखो, आगे बढ़ाने में सशक्त करेगा। इससे जुड़ी सारी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में है। आशा करते हैं आपका सहयोग नित निरंतर मिलता है। नमस्कार, जय श्री राम, जय। अंकल क्या बोला बेटा? बोलो जय श्री राम।